जी जैसा आप देख सकते हैं ये पैडल जो है हार्ड हो गई है, इसकी वजह से गियर जो है ये लगने में ऐसे फंसते हैं, तो इसको आज हम दिखाएंगे। सो गाड़ी का ट्रायल अब शुरू हो गया है। शुरू हो गया है। गाड़ी में क्लच की प्रॉब्लम दिख रही है। गाड़ी का क्लच पैडल जो है हार्ड हो गया है, गियर लगाने में स्मूथनेस नहीं है, गियर टाइट लग रहा है। और क्या प्रॉब्लम समझ में आ रही है? और इसकी स्टीयरिंग नॉइस भी दिख रही है, स्टीयरिंग में आवाज़ है। तो आज क्या क्या करने वाले हैं? पहले हम आपको क्लच करके दिखाएंगे। सो नाउ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गाड़ी को जैक पे उठाया गया है। अब दोनों चक्कों को बाहर निकाल के गाड़ी के गियर बॉक्स को खोल के बाहर निकाला जाएगा। अब इसको स्प्रे मार के देखिए, तरीके से काम ऐसे ही होता है। इसका नट जो है उसको खोलेंगे, क्योंकि एक्सेल बाहर निकालना पड़ता है गियर बॉक्स के लिए। अब स्प्रे करने के बाद एक्सल नट को खोल के एक्सल को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि एक्सल जो है वो गियर बॉक्स में अटैच होता है, तो एक्सल निकालने के बाद गियर बॉक्स निकालने में आसानी होगी। अब इसमें गियर ऑयल के डग नट को ढीला करके गियर ऑयल को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि गियर बॉक्स जब ज़मीन पर आता है तो फिर गियर ऑयल निकालने के लिए उसको हमें ऊपर हवा में ना करना पड़े। चूँकि गाड़ी किसी लिफ्ट पे नहीं है, गाड़ी नॉर्मल जैक एंड स्टैंड पे है, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है। और अब गाड़ी के गियर बॉक्स से सारे नट को ढीला करके गियर बॉक्स को इंजन से अलग कर लिया जाता है। जैसा कि बताया, आज आप इसके गियर बॉक्स में काम करने वाले हैं। तो पहली चीज़ आप हमें ये बताइए कि हमने गाड़ी सर्विस सेंटर में नहीं खुलवाई, क्योंकि सर्विस सेंटर में इसका कितना लेबर लगता है गियर बॉक्स का? 3000 रुपया। कैमरे की तरफ देख के 3000 रुपया, जबकि मैं गया था तो हमको करीब 4000-4500 के करीब बताया था इसका लेबर। और हमारे संजय भाई चूँकि औरों से लेते हैं 2000, लेकिन हमसे 1500 लेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ खुलवाने का एक मकसद ये था कि कंपनी में आपको कंपनी के हिसाब से चलना पड़ता है, उनसे टाइम लेना पड़ता है। यहाँ हम अपने हिसाब से अपने समय के अनुसार आ गए। अब संजय भैया आप ये बताइए कि गियर बॉक्स आपने खुलवा लिया, अब इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आपका गियर बॉक्स उतरा है, ये पहली बार खुल रहा है, ठीक है। और इसमें जो भी अब खुलेगा वो पड़ेगा, वो जेन्युइन पार्ट से ही पड़ेगा। अच्छा, पार्ट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हुंडई का है तो हुंडई का ही डलेगा। अच्छा, ये क्लच प्लेट देख के आप ये बताइए, क्या पहली बार खुल रहा है? हाँ, ये पहली बार खुल रहा है, बिल्कुल जेन्युइन है। तो इसमें क्या क्या डालेंगे आप, और आप चूँकि काफ़ी एक्सपर्ट हैं तो किस तरीके से काम करेंगे इसको? जो भी है जेन्युइन पार्ट्स डलेगा, और पार्ट्स इसमें क्लच, प्रेशर और रिलीज बैरिंग, रिटेनर वो उसको बोलते हैं, तीनों चीज़ पड़ेगी, वो तीनों पड़ेगी। और गियर ऑयल के बारे में क्या कहेंगे? गियर ऑयल अगर उसकी थिकनेस चेक करने पे अगर गड़बड़ दिखती है तो बदल जाएगा, और प्लस साल हो गया होगा तो बदला जाएगा, किलोमीटर हो गया होगा तो बदला जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पुराना क्लच प्लेट डाल देते हैं ये सब गाड़ियों में? नहीं, उसमें टाइम बर्बाद होता है, बार बार उतारना चढ़ाना सक्सेस नहीं होता, वो सक्सेस नहीं होता है। या कुछ लोग बोलते हैं क्लच में चमड़ा चढ़वा दें, लेदर नहीं, लेदर चलवाना तो और मूर्खता है, वो ये सब गाड़ियों में नहीं। सो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को अब इंजन से अलग किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अंदर फ्लाईव्हील होती है, फ्लाईव्हील में क्लच प्लेट लगी होती है। क्लच प्लेट चूंकि लगी होती इंजन में, लेकिन गियर बॉक्स जहाँ अटैच होता है, इस वजह से गियर बॉक्स को खोल के ही निकाली जाती है। सो आज इलाहाबाद प्रयागराज में ये i20 मैंने खुलवाई थी। तो मैं आपको बता दूँ, हॉट स्टफ चौराहे पे ये गोस्वामी ऑटो पार्ट्स है। इनका पार्ट्स चूँकि जेन्युइन होता है और अच्छा होता है, रिलायबल होता है, तो मैं ओरिजिनल हुंडई से ना लेके ओरिजिनल ही पार्ट्स इनसे ले रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डुप्लीकेसी बहुत होती है, ओरिजिनल डब्बे में आपको देसी या कॉपी आइटम दे दिया जाता है, तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। ओरिजिनल हॉलमार्क भी लगा होगा हुंडई का, लेकिन आपको, या ओरिजिनल कंपनी का हॉलमार्क भी लगा होता है, लेकिन डी या कॉपी दे दिया जाता है प्रोडक्ट। बट चूँकि मुझे यहाँ भरोसा, मैं हमेशा से यहाँ लेता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ। आइए आपको दिखाते हैं, ये ओरिजिनल हुंडई का है आपका क्लच। तो ये बिल्कुल जेन्युइन क्लच जो कि करीब है 3800 रुपये का। और आइए आपको दिखाते हैं इसी के साथ प्रेशर प्लेट जो है वो करीब है आपकी
4700 की। देखिए बिल्कुल जेन्युइन है, काफ़ी हैवी भी है। ये प्रेशर हो गया और ये रिलीज वायरिंग। तीनों सामान कितने के हुए? ये 1263 की ये हो गई आपकी रिलीज वायरिंग। ये हमारे आशु भैया का शॉप है और ये 9775 के तीनों आइटम हो रहे हैं। सो मैं बैठा हूँ अगेन संजय भैया मारुति एक्सपर्ट ग्रीनलैंड वाले का, लेकिन सारी गाड़ी बनाते हैं तो क्लच प्लेट गियर बॉक्स खोल लिया है। अब पहले संजय सर हम लोगों को ये बताएंगे कि ये क्लच का मैकेनिज्म क्या होता है गाड़ी में? पावर ट्रांसफ़र करना। जैसे कि गाड़ी को बढ़ाने के लिए, गियर लगाने के लिए। तो जब क्लच दबाते हैं तो क्या ये, इसको बताइए कैसे कैसे नाचता है? एयर गैप पे होता है। ठीक है, ये एयर गैप पे चलता है। जब हम दबाते हैं तो क्लच अपनी दूरी से छोड़, इसको हाथ में लेके बताइए थोड़ा कि ये कैसे नाचता होता है। ये इस एंगल में नाचता रहता है, इस एंगल में। जब हम क्लच दबाते हैं अंदर से तो ये ऐसे गोल नाचने लगता है, फिर हम गियर लगाते हैं। और ये है प्रेशर प्लेट, इसके बारे में कुछ बताइए। ये क्लच को सहारा देता है फ्री करने में। तो ये क्या हल्का सा यहाँ से दबता है जब क्लच दबाते हैं? ये बैरिंग होती है, रिटेनर। ठीक है, इसके ऊपर काम करती रहती है क्लच दबने पे कंटिन्यू। ठीक है, क्लच छोड़ देने पे ये अपना एयर गैप बना लेती है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, ये आपने हुंडई के, हम लोगों ने सारे जेन्युइन पार्ट्स लाए हैं, हुंडई का जेन्युइन पार्ट्स है। अब आप इसको जैसे क्लच खोल के दिखाइए और पुराना दिखाइए कि क्या फ़र्क है, कैसे जल जाता है। जो लोग बोलते हैं क्लच प्लेट जल गई, वो कैसे पता चलता है कि ये सर ये जल गई है? दिखाता हूँ, ये होता है इसका लेदर। ठीक है, प्लस इसके अंदर जो लेदर में ये रफनेस दिख रही है आपको जी, ये जी, ये लेदर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका पावर जो जनरेट होने वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। तो दोनों को ऐसे सामने रख के कैमरे में दिखाइए कि ये कितना जला है, ये कितना है। अब इसको वर्नियर कैलिपर से नापिए तो आपको पता चले, लेकिन देखने पे ही पता चल जाता है कि इसके लिए ये घिस चुका है और इसमें ये लेयर है। लेयर है। तो जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें चमड़ा डलवा दो चलता है, तो वो सब नहीं चलता, वो मूर्खता है। वो मूर्खता है इस वजह से कि बार बार खोलता तो है नहीं ये, और लेबर भी चली जाती है, लेबर भी जाती है। अब आइए प्रेशर प्लेट पे, तो इसका मैकेनिज्म बताइए नया वाला खोल के कि ये पुरानी और नई दिखाइए एक साथ। ये देखिए, ये नया और ये पुराना है। ठीक है, और नजदीक से दिखाइए। इसमें जो फिंगर होते हैं जी, और ये फिंगर होते हैं। इसके फिंगर कुछ दब गए हैं, कुछ उबड़े हुए हैं और रेड भी दिख रही है। और प्लस अगर हम इसको डाल देंगे तो क्लच में हमेशा के लिए वाइब्रेशन रहेगा, गेयर लगने में दिक्कत रहेगी। तो क्लच प्रेशर दोनों बदले, और ये प्रेशर है। हाँ। प्रेशर का बैक साइड दिखाइए, जो ये इसमें आ गया स्क्रैचेस, स्क्रैच आ गए। फ्राई व्हील प्रेशर प्लेट का ये अंदर का हिस्सा, ये फ्राई व्हील पे लगा होता है? नहीं, ये क्लच पे होता है। क्लच पे होता है, फ्राई व्हील पे टाइट होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अच्छा, अब आप चूंकि इतने खास और सीनियर आदमी हैं तो बताइए आप इसको किस तरह लगाएंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। बस जिस कोई प्रिकॉशन या जो लोग लगवाना, प्रिकॉशन ये कि सेंटर पिन रहे, पिन सेंटर में रहे, सेंटर में पिन रहे। अगर सेंटर पिन नहीं है तो बैठाने में दिक्कत होती है। प्लस आप राय भी यही देंगे कि तीनों सामान को हम बदलवाएं तो अच्छा रहेगा, रिलीज बैरिंग लॉन्ग लाइफ। एक चीज़ और बताइए कि जैसे ओरिजिनल हॉलमार्क लगा होता है, लेकिन देसी प्रोडक्ट हमने भी लिए थे बीते दिनों, मार्केट में लोग देसी दे देते हैं, ओरिजिनल हुंडई का हॉलमार्क लगा रहता है, कहीं से फिर से रिफर्बिश हो जाता है, तो कैसे पहचाने कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है? जैसे कंपनी है जी, वैल्यू, ठीक है, किया लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो इसके ट्रेडमार्क यही है। प्लस बहुत लोग होते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, उठाया लगा दिया तुरंत। कभी कभी देखा गया है कि ओरिजिनल ही होता है हॉलमार्क, लेकिन वो पुराने को रीअसेंबल कर देते हैं। तो रीअसेंबल करेंगे तो इसका जो फिंगर होता है ये प्रॉपर नहीं होगा, कहीं ना कहीं अगर तेज मैकेनिक है तो वो पकड़ लेते हैं। प्लस ये जो इसमें बात करें, ये जो लगा है हॉलमार्क, इससे भी बारकोड से आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे डाउटफुल या गड़बड़ है तो आप पहले जाइए उससे पक्का बिल लीजिए। हाँ। अगर मेरी गाड़ी में डिफेक्ट आता है, वो रिप्लेस करने मना करता है, तो ये अच्छी बात आपने बताई कि बिल रहेगा तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस कर दीजिए, फिर नहीं तो कंज्यूमर पूरा मुकदमा कर दीजिए। सबसे बड़ी चीज कि आप या तो ओरिजिनल सर्विस सेंटर से ले लें, या फिर ओरिजिनल जो जेन्युइन पार्ट्स की दुकान है वहाँ से ले लें, सबसे अच्छी चीज है। देखिए काफी तसल्ली से और काफी अच्छा काम यहाँ होता है। देखिए इसकी डीजल से पूरी सफाई होती है, अंदर की अंडर बॉडी क्लीनिंग जरूरी है।
अंडर बॉडी क्लीनिंग। देखिए अंदर के साथ साथ यहाँ ऊपर से भी पूरी क्लीनिंग की जाती है, पूरा तसल्ली पूर्वक अच्छा काम किया जाता है, ये कस्टमर का फुल सेटिस्फेक्शन मिले। अंदर देखिए रिलीज बैरिंग जो गोल सी लगी है, रिलीज बैरिंग फिट हो गई है, अब तैयारी है क्लच प्लेट सेट करने की। तो जी हाँ, देखिए ये क्लच प्रेशर दोनों चीज़ें जो है ये इंजन के फ्राई व्हील में बांध रहे हैं। हाँ। फ्राई व्हील में ये इसको टाइट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह चमकती हुई क्लच प्रेशर को यहाँ बांध दिया गया है। और इसी के साथ आपको एक अलग से जानकारी देते हैं, जो फ्राई व्हील आप देख रहे हैं जिसमें दांते हैं, दांते दिख रहे हैं, तो जब हम सेल्फ मारते हैं गाड़ी का तो वो सेल्फ यहाँ पर लगा होता है। ये देखिए यहाँ साइड में लगा होगा, ये सेल्फ लगा है छोटा सा ये इधर, तो यही फ्राई व्हील को ऐसे बाहर निकल के इस दांते में फिक्स होके ऐसे घुमाता है और फिर हम सेल्फ छोड़ देते हैं तो वो वापस अंदर चला जाता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हम लोग सेंटर मिलाते हैं, ये सेंटर पिन से सेंटर मिलाया जाता है। अगर सेंटर आउट हुआ तो गेयरबॉक्स बैठाने में दिक्कत होती है, फिर उससे फिंगर स्क्रैचेस और फिर थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ जाता है, मतलब सब खराब हो जाता है एक तरह से, सेटिंग प्रॉपर नहीं होता। अच्छा, तो उसको सही तरीका ये है कि इसको सेंटर मिला लें फिर बैठाएं। देखिए जैसा कि सेंटर पिन बता रहे थे, ये सेंटर पिन से इसका सेंटर को मिलाया जाता है। कैसे मतलब मिलाया जाता है कि एकदम सीध में रहे। हाँ। यही मतलब हुआ ना। फाइनली क्लच प्रेशर फिक्स होने के बाद अब गियर बॉक्स को फिर से इंजन में अटैच किया जाएगा। फाइनली गियर बॉक्स इसमें फिट हो गया है, अब और चीज़ों की फिटिंग होगी। तो ये गियर ऑयल 2 लीटर इसमें, क्योंकि गियर ऑयल पुराना हो गया था तो ये ऑयल भी डलवा दिया है। देखिए ये गाड़ी की चेकिंग हो रही है एयर में रख के, और क्लच बिल्कुल स्मूथ। तो अब ट्रायल का टाइम शुरू, और इस गाड़ी को अब बताइए कैसा है क्लच। एकदम स्मूथ हो गया है, मस्त, क्लच भी और गियर भी स्मूथ हो गया है, एकदम स्मूथ चल रहा है क्लच गियर सारी चीज, अब फंस भी नहीं रहा है गियर ना। और बताएं कि इसको बदलवाने से अब क्या क्या फायदा हुआ है, पिकअप माइलेज, पिकअप सारी चीज, माइलेज भी बढ़ जाता है। हाँ, मेंटली फ्रेश। अच्छा, अगर इसको ना बदलवाया जाता तो फ्यूचर में ऐसे फ्यूचर में जो 2.5 लाख का गियर बक्सा है वो बदलना पड़ता। अच्छा, और इसमें वो जो लगी रहती है आपकी गोल सी लगी रहती है जिसमें टाइट होता है उसको क्या, फ्राई व्हील भी खराब हो जाती है, वो होती है बहुत रियर कंडीशन पे। अच्छा, गियर बॉक्स खराब हो जाता है। हाँ, गियर बॉक्स तो ऑलरेडी खराब हो जाता है, जब गियर खच खच करेगा तो गियर के सारे मैकेनिज्म खराब हो जाएंगे। इसको समय रहते ही देखिए बदलवा लिया गया है, वो मतलब गुड शो, और सारी चीज में ओरिजिनल, यहाँ तक कि इसके ऑयल भी चेंज करा दिया है, फुली इसका सर्विस हो गई, पूरा काम हो गया। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये हमारे संजय भैया, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। So friends, thank you so much for watching this video, and please don't forget to like, share and subscribe this video. Thank you.